दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर अपडेट या लिंक कैसे करें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने मोबाइल नंबर, अपने नाम या कुछ भी अपने डॉक्यूमेंट को आधार कार्ड से कैसे लिंक करना है। दोस्तों, आपको पता होगा कि आप जब आधार कार्ड एनरोलमेंट करवाते हैं तो उस समय आप अपना मोबाइल नंबर जिसने करवाया होता है उसका ही मैसेज आ पाता है, वही अपना आधार कार्ड निकाल पाता है। लेकिन जिसने मोबाइल नंबर और अदर डॉक्यूमेंट जिसका गलत हो गया है, उसे करेक्शन करवाना है, तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए मैं आज आपको एक तरीका बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानना है तो पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने फ़ोन के किसी भी ब्राउज़र में, चाहे क्रोम ब्राउज़र है, चाहे यूसी ब्राउज़र है, किसी भी ब्राउज़र में आप जाएंगे। मैं यूसी ब्राउज़र चूज़ करता हूँ। यूसी ब्राउज़र में जाने के बाद दोस्तों, आप google.com सर्च कर सकते हैं। ऊपर गूगल का भी सर्च ऑप्शन है, वहाँ पर कर सकते हैं। तो गूगल पर सर्च करेंगे दोस्तों आप लोग आधार DHAR। जैसे हम दोस्तों आधार सर्च करेंगे, सर्च हो रहा है, सबसे पहला रिजल्ट आएगा UIDAI ऑफिशियल वेबसाइट है ये आधार कार्ड और आधार कार्ड के लिए। अब इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे। दोस्तों, जब ये वेबसाइट ओपन होगी, ऑफिशियल वेबसाइट, तो आपको उसको फ्रंट पेज पे, फ्रंट डेस्क बोर्ड पर आपको दिख जाएगा। मैं दिखा देता हूँ जूम करके आपको। आधार अपडेट का ऑप्शन होगा ये, उसकी लिस्ट होगी, उसमें एक ऑप्शन होगा अपडेट रिक्वेस्ट बाय पोस्ट, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, तो एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, PDF फाइल है दोस्तों। ये एक फॉर्म है अपडेट करने के लिए, आपके जितने भी आपके नेम है, करेक्शन है, मोबाइल नंबर है, आधार एड्रेस है, आधार कार्ड में अपडेट करवाना है, कुछ भी, इसके लिए एक फॉर्म है, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसको डाउनलोड मैं कर लेता हूँ। उसे ओपन करने के लिए आप एडोब रीडर का या किसी भी जो PDF रीडर है जो रीड कर सकती है, उसको इंस्टॉल कर लेना पहले से फ़ोन में। दोस्तों, ये फॉर्म ओपन हो चुका है। दोस्तों, ध्यान से देखना, मैं इस फॉर्म के बारे में सुधारने का तरीका आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। थोड़ा जूम कर लेता हूँ दोस्तों। आधार, ये फॉर्म है आधार डेटा अपडेट करेक्शन फॉर्म है दोस्तों। सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखा है फील्ड फॉर अपडेट और करेक्शन, यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा कि आपका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल आईडी, अब वो क्या करेक्शन कराना है, जो चीज़ आपको करेक्शन करानी है उस बॉक्स पे आप टिक कर देंगे सबसे पहले। तो सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे कि सेकंड ऑप्शन में, सेकंड नंबर स्टेप में ये है कि आधार नंबर लिखना है, जो 12 डिजिट का आपका होता है, वो यहाँ पर फिल कर देंगे बॉक्सेज में, बॉक्स बने हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं, बॉक्सेज बॉक्स में फिल कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रेजिडेंस नेम, इसमें अपना नाम भरेंगे, जो इंग्लिश में भरेंगे आप क्या कैपिटल लेटर में भरेंगे इस वाले बॉक्स में, फर्स्ट वाले में, और सेकंड बॉक्स में इसमें लिखा है फिल डिटेल्स इन लोकल लैंग्वेज इन द कॉलम, ब्रैकेट में लिखा है यूज सेम लोकल लैंग्वेज एज इन योर आधार लेटर। इसमें ही लिखा है दोस्तों, अभी मैं तो दिल्ली में हूँ दोस्तों, तो मेरा तो हिंदी है, तो मैं यहाँ हिंदी में लिखूँगा। अगर आप साउथ में, तो अपने आप साउथ के हैं, तो या कहीं भी हो, कहीं के भी हैं, तो आप अपने लोकल लैंग्वेज को यूज़ करिएगा इस ब्रैकेट में, अपना नाम, जो भी चीज़ें फिल करने की, और यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में लिखना होगा अपना नाम। उसके बाद है जेंडर में आप मेल हैं, फीमेल हैं, या अदर कोई आपका है, तो वो कहीं नहीं करेंगे आप। डेट ऑफ
बस में तो नहीं बोलना आप डेट ऑफ बर्थ आपका जो है डेट मंथ और ईयर फिल करेंगे एड्रेस है तो केयर ऑफ डिटेल्स भरेंगे जो भी है केयर ऑफ है डॉटर ऑफ है सन ऑफ है वाइफ ऑफ है अदर कोई है उसमें अपना गार्जियन पेरेंट्स नेम हाउस नंबर स्ट्रीट नंबर लैंडमार्क एरिया विलेज टाउन डिस्ट्रिक्ट पोस्ट ऑफिस दोस्तों जो चीज़ आप यहाँ इंग्लिश में भर रहे हो वही अपने लोकल लैंग्वेज में भी इधर भी भरना है आपको अगर हिंदी तो हिंदी में भरें और अदर लैंग्वेज कोई है तो उसमें भरें लेकिन लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए उसमें भरना जिससे जो आपके आधार कार्ड पर जिस लैंग्वेज नेक्स्ट लोकल लैंग्वेज जो आपकी लिखी है ना उसमें भरना है उसे पिन कोड अपना भरेंगे यहाँ पर फिर आपको दोस्तों यहाँ जो मोबाइल नंबर का ऑप्शन दे रखा है ये चीज़ सबसे बड़ी मेडिटरी यहाँ लिख रखी है तो उसका मोबाइल नंबर आप यहाँ पर भरना जरूर और आप मोबाइल नंबर यहाँ पर भरेंगे तभी आपके पास ये जब पूछेगा उनके पास क्योंकि उसे भेजना होगा दोस्तों इस पूरे फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल के फिर इस फॉर्म को भरना है और उसके बाद ये अगर मोबाइल नंबर भरोगे अपने पास पहुँचेगा तो आपके पास टाइम टू टाइम मैसेज आते रहेंगे तो आपको कन्फर्मेशन होती रहेगी कि आपके पास आपका ये फॉर्म उनके पास पहुँच चुका है ये चीज़ अपडेट हो चुकी है इसीलिए मैं आपसे ये बोल रहा हूँ सेम आपका अगर ई मेल एड्रेस है ऑप्शनल है आप भरो ना भरो तो कोई बड़ी मर्जी आपकी उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात आती है डॉक्यूमेंट में तो दोस्तों आपको अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाएं तो आपको डेट ऑफ आइडेंटिटी देना पड़ेगा मतलब आपको कोई इसमें लिस्ट दे रखी है डेट ऑफ ई हो या ए के डॉक्यूमेंट्स की कि आपको डेट ऑफ आइडेंटिटी पर कौन सा प्रूफ अटैच कर सकते हो तो जैसे एक प्रूफ लेना है यहाँ पर लिस्ट दे रखा है आप देख सकते हो तो उसे अटैच कर देना और उसको सेल्फ अटैच करना बहुत ज़रूरी है आप जो भी डॉक्यूमेंट लगाते हैं उसके साथ उसको सेल्फ अटैच ज़रूर करना अगर एड्रेस आपका पी ओ पी है प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है आप देख सकते हो उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट लेते हैं सेल्फ अटैच मतलब अपना साइन जरूर नीचे करना उसके बाद दोस्तों रेजिडेंट के लिए आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ कर रहे हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर देना पड़ेगा बर्थ सर्टिफिकेट कुछ भी यहाँ पर डिटेल्स दे रखिए ना उस डिटेल्स में कोई भी चूज कर लीजिए दोस्तों इस दोस्तों इस डॉक्यूमेंट को पूरा फिल करने के बाद प्रिंट आउट निकाल के फिल कर लिया आपने और उसके बाद अपना जो रिक्वायरमेंट जो उसका आपके पास जो रिक्वायरमेंट अपना डॉक्यूमेंट है उसके उससे सेल्फ अटैच करने को उसे लगाने के बाद आपको उसे एड्रेस पे भी सेंड करना होगा ये ऑफिशियल एड्रेस है आधार कार्ड यू आई डी आई का तो वो नीचे दे रखा है दो एड्रेस है इन दोनों एड्रेस में से किसी भी एक एड्रेस पर उसको भेज सकते हैं दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ एड्रेस दिया हुआ है एक मध्य प्रदेश इंडिया का है दूसरा हैदराबाद का यहाँ पर है ये एड्रेस तो आप किसी एड्रेस को चूज़ करके उस पर एनवेलप डाल के उसको बाय पोस्ट भेज दीजिए कुछ ही दिनों में फिर आपके पास ये मैसेज आ जाएगा कि आपका ये पहुँच गया कन्फर्मेशन हो गया अपडेट हो चुका है इसके स्टेटस आप देख सकते हो जो भी कुछ है तो आप वो अपने मोबाइल नंबर से प्राप्त कर सकते हो आपको मंथ पर टाइम टू टाइम कन्फर्मेशन मैसेज आता ही रहेगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद